हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने ग्रिड व्यू कंट्रोल के अंदर जो है डायनेमिकली रन टाइम पे जो है रूल्स को ऐड करना है टेक्स्ट बॉक्सेस की हेल्प के साथ। और इस एग्जांपल के लिए जो हमने डेटाबेस यूज़ करना है वो बेसिकली हम टेम्प्रेरी डेटा यूज़ करेंगे एज ए डेटा टेबल, और बाद में हम जो भी रोज़ को जो है ऐड करेंगे अपने ग्रिड व्यू के अंदर उनका जो ग्रैंड टोटल है वो फाइंड आउट करेंगे, और ग्रैंड टोटल की जो अमाउंट होगी उनको वर्ड में जो है डिस्प्ले करवाएंगे। तो चलिए, एग्जांपल काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी यूज़ होगी आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, और काफ़ी सिंपल वे के साथ हमने इसको जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो ये वाली जो एग्जांपल है ये भी हमें हमारे ही किसी मेंबर ने चैनल के हमें रिक्वेस्ट की थी कि कुछ इस तरीके की जो एग्जांपल्स है आप डेवलप करना बताएं, जिसमें हम जो है डेटा टेबल की हेल्प के साथ जो है ग्रैंड टोटल को जो है फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं इसकी आपको वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर जो है डेवलप कर पाएंगे इजीली। तो हेडिंग से आपको पता चल ही गया होगा कि ये वाली जो एग्जांपल है किस टॉपिक के रिलेटेड है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने एक फॉर्म डिज़ाइन किया हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे ग्रिड व्यू कंट्रोल की जो पहली रो है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का नेम लिख देता हूँ, सैमसंग J7, क्वांटिटीज लिख देता हूँ 2, और प्राइस यहाँ पे लिख देता हूँ 6500। और जैसे ही मैं ऐड डेटा पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो डेटा मेरा है वो ग्रिड व्यू के अंदर आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे आ चुका है प्राइस, और इसका जो कैलकुलेट करके टोटल है वो भी आ चुका है यहाँ पे, और जो प्राइस है वो वर्ड के अंदर भी यहाँ पे आ चुका है 13,000, और जो ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो यहाँ पे एक रो और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, और यहाँ पे क्वांटिटी 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60,000। और जैसे ही मैं ऐड डेटा के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड रो जो है वो मेरी ऐड हो चुकी है ग्रिड व्यू के अंदर। जो मेरे पास ग्रैंड टोटल है वो यहाँ पे लिखा आ चुका है 73,000, और उसकी जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे जो है वर्ड के अंदर जो है डिस्प्ले हो चुकी है। तो चलिए, इस तरीके की आज की हमारी ये वाली एग्जांपल है, इसको डेवलप कैसे करना है वो आज हम देखेंगे। तो इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को हम क्लोज़ कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू, यहाँ से वेबसाइट। अब हमने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर सिलेक्ट करना है ASP.NET वेबसाइट। आप चाहें तो यहाँ पे जो है फोल्डर का पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव होगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे हम लिख देते हैं कैलकुलेट टोटल अमाउंट ग्रिड व्यू डेटा टेबल। तो चलिए, ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो प्रोजेक्ट है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, माउस की हेल्प के साथ ऐड करते हैं ऐड न्यू आइटम। अब हमने इस डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है एक वेब फॉर्म को ऐड करना है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वेब फॉर्म। अब आप चाहें तो इस वेब फॉर्म का जो नेम है वो असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास जो है एक ब्लैंक वेब फॉर्म जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो चुका है। तो डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में हम कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो टूल बॉक्स में से सबसे पहला कंट्रोल जो हम ऐड करेंगे वेब फॉर्म के ऊपर वो है लेबल। तो लेबल को जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया आप देख पा रहे हैं लेबल मेरा वेब फॉर्म के ऊपर आ चुका है। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजेस करनी है, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम इसकी चेंज करेंगे वो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके सबसे बढ़िया जो मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में जो हम सारा वर्क है वो लाइव एग्जांपल के थ्रू आपको बताते हैं, जिससे आपकी जो
कंसेप्ट की क्लैरिटी है, कंसेप्ट की नॉलेज है, वो और भी इम्प्रूव होगी और भी इंक्रीज होगी। हम आपको हर एक एग्जांपल के साथ सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पहली बार प्रोजेक्ट को डेवलप करने में आपको कोई दिक्कत ना आए। इन केस कोई प्रॉब्लम आती भी है तो आप अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ ईमेल के थ्रू या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के थ्रू शेयर कर सकते हैं ताकि हम उसका जो सोल्यूशन है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचा पाएँ। और इन केस आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया घूम रहा है जिसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो वो आइडिया भी हमारे साथ शेयर कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका वीडियो ट्यूटोरियल इम्प्लीमेंट करके इस चैनल के ऊपर अपलोड कर पाएँ ताकि वो आपके लिए और बाकी सभी मेम्बर्स के लिए हेल्पफुल रहे। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल बॉक्स में से एक लेबल और इंसर्ट करते हैं और इसके अंदर आज के प्रोजेक्ट का जो हेडिंग है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैलकुलेट टोटल अमाउंट यूजिंग ग्रिड व्यू डेटा टेबल इन ASP.NET C#। तो यहाँ पे जो है हेडिंग मेरा आ चुका है। यहाँ से मैं इसका जो फॉर कलर है वो चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म डिज़ाइन करना है तो फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए यहाँ से मैं एक टेबल को इंसर्ट करता हूँ। टेबल की जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो होंगी 3 और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे वो होंगे 4। और यहाँ पे मैं ओके के पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं मेरे पास जो है एक टेबल जो है वो इंसर्ट हो चुका है इस वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर और इसके बाद में हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है प्रोडक्ट नेम और उसके बाद में हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिखना है प्राइस और उसके बाद में क्वांटिटी। तो यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ डायरेक्टली और यहाँ पे जो है क्वांटिटी को भी डायरेक्टली ऐड कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने इनको जो अलाइनमेंट है इनकी करनी है वो करनी है जस्टिफाई सेंटर, इसकी भी अलाइनमेंट जो है जस्टिफाई सेंटर कर देते हैं, इसकी अलाइनमेंट यहाँ से जस्टिफाई सेंटर और इसको भी सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस को यूज़ करना है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्सेस को इंसर्ट कर देता हूँ डबल क्लिक करके, इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। अब हमने इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दें, इसको मैं रीसाइज कर देता हूँ और इसी टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसको भी रीसाइज कर देते हैं, यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं और इसको भी हमने जो है रीसाइज कर देना है। अब हमारे पास चारों टेक्स्ट बॉक्सेस जो है वो आ चुके हैं। अब हमने इस लास्ट वाली रो के सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और मॉडिफाई करके इसको मर्ज सेल में कन्वर्ट करना है ताकि एक ही रो में ये कन्वर्ट हो पाए। और अब हमने यहाँ पे जो है एक बटन को इंसर्ट करना है डबल क्लिक करके, यहाँ पे बटन की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिख देते हैं ऐड बटन, तो यहाँ पे ऐड डेटा लिख देते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर देता हूँ। अब हमने इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है यहाँ से और इसकी भी जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसके अंदर 1 लिख के एंटर कर दें जिससे इसकी जो बॉर्डर लाइन है वो ठीक हो जाए। अब हम चाहें तो यहाँ से इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है कलर सेट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है यहाँ पे हमने एक ग्रिड व्यू को इंसर्ट करना है। तो डेटा कैटेगरी के अंदर हमारे पास जो है टूल बॉक्स के अंदर एक बहुत ही अच्छा कंट्रोल है ग्रिड व्यू, तो इसको डबल क्लिक करके मैं ऐड कर देता हूँ वेब फॉर्म के ऊपर। अब हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। अब हमने इसके अंदर जो है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली जो है कोई भी फॉर्मेट अच्छा सा सिलेक्ट करना है तो आप अच्छा सा फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, अप्लाई कर दें, ओके कर दें। अब हमने जो है इसके अंदर जो है कॉलम्स को ऐड करना है, तो कॉलम्स को कैसे ऐड करना है डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम है तो इनको जो है मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, एडिट कॉलम्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पे हमने 5 बाउंड फील्ड ऐड करने हैं 1 बाय 1। इन 5ों बाउंड फील्ड्स को हम कॉन्फ़िगर करेंगे डेटा टेबल के अंदर, जो भी कॉलम नेम यूज़ करेंगे सेम कॉलम नेम हमने यहाँ पे यूज़ करना है इसकी डेटा फील्ड प्रॉपर्टी के अंदर। तो सबसे पहले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर और इसकी जो डेटा फील्ड वाली प्रॉपर्टी है वो डेटा टेबल के कॉलम नेम के साथ मैच करवाने के लिए यहाँ पे एस नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में कर देते हैं। और इसी तरीके से सेकंड वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, इसी तरीके से इसकी डेटा फील्ड जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर कॉलम का नेम लिख देता हूँ जो भी मैं डेटा टेबल के अंदर यूज़ करूँगा और इसकी भी अलाइनमेंट जो है वो हम सेंटर में कर देते हैं। इसी तरीके से तीसरे वाले को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी और जो इसकी डेटा टेबल के अंदर
कॉलम नेम है वो हमने लिया है क्वांटिटी, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं और इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में कर देते हैं। इसी तरीके से चौथे वाले बाउंड फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्राइस, और इसकी जो डेटा फील्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर लिख देते हैं प्राइस, और इसी तरीके से इसकी जो अलाइनमेंट है वो हम कर देते हैं सेंटर में, इसकी अलाइनमेंट सेंटर में कर दी। लास्ट वाले को सिलेक्ट करके यहाँ पे हमने लिखना है टोटल, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखना है टोटल, और इसकी भी जो अलाइनमेंट है वो हम कर देते हैं यहाँ पे सेंटर में, जस्टिफाई सेंटर। और अब हमने इस चेक मार्क को यहाँ से हटा देना है और इसके ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे मेरे पास जो है एक ग्रिड व्यू कंट्रोल जो है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमने इसकी जो विड्थ है वो सेट करनी है, तो विड्थ हम अपने अकॉर्डिंगली जो है सेट कर सकते हैं। पहले कॉलम की विड्थ जो है वो मैं 100 कर देता हूँ, यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो आप सेट कर सकते हैं। दूसरे कॉलम की जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 200, यहाँ पे 200 लिख देते हैं। और तीसरे जो कॉलम की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 100। जहाँ जहाँ पे भी आपको जितनी विड्थ चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। प्राइस की जो विड्थ है वो भी मैं कर देता हूँ 100, तो यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। इसी तरीके से टोटल की जो जो विड्थ है वो मैं कर देता हूँ 150, तो यहाँ पे डायरेक्टली ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो विड्थ है वो सेट हो चुकी है। अब हमने जो है अमाउंट को वर्ड्स के अंदर डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे एक लेबल को यूज़ करना है, तो चलिए यहाँ पे एक लेबल को इंसर्ट करते हैं। डबल क्लिक करके यहाँ पे लेबल जो मेरा वो यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब हमने इसकी जो अलाइनमेंट है, जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको ब्लैंक कर देना है अभी के लिए। बाद में कोडिंग के थ्रू जो है इसकी जो हम जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर पाएंगे। अब हमने जो है डिज़ाइनिंग वाला का कंप्लीट कर लिया है पार्ट, अब हमने कोडिंग की तरफ जाना है। तो कोडिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, जो कोडिंग है वो पहले से हमने कर रखी है। ये सारी कोडिंग आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप एक डाउनलोड लिंक के थ्रू इसको जो है अपने पीसी और लैपटॉप के ऊपर जो है डाउनलोड कर पाएंगे और इजीली जो है इसको यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो कोडिंग को यूज़ कैसे करना है, सबसे पहली जो कोडिंग है वो है हमने इन टेक्स्ट बॉक्सेस की जो अंदर जैसे ही कोई यूज़र टाइप करे तो उसके अंदर जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में करनी है। तो अलाइनमेंट सेंटर में करने के लिए ये वाली जो CSS की जो हमने कोडिंग है इसको कॉपी करना है यहाँ से, और इसके सोर्स के अंदर सबसे पहले इस टेक्स्ट बॉक्स को, किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से सिलेक्ट करना है, सोर्स के अंदर जाना है, और जहाँ जहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्सेस वाली कोडिंग है उसके विड्थ के बाद इस कोडिंग को जो है पेस्ट करना है। इसी तरीके से सेकंड वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए, इसी तरीके से तीसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए, इसी तरीके से चौथे वाले टेक्स्ट बॉक्स के लिए। तो हमने हर एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए ये वाली जो कोडिंग है इसको कॉपी पेस्ट करना है ताकि जो भी टेक्स्ट टाइप करें वो सेंटर में डिस्प्ले हो। और उसके बाद में हमने जो कोडिंग करनी है वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने इस यहाँ पे डबल क्लिक करना है ऐड डेटा के ऊपर। अब हमने जो कोडिंग करनी है, सबसे पहले यहाँ पे दो नेम स्पेसेस को यूज़ करना है, इन दो नेम स्पेसेस को हमने कॉपी करना है और इनको यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमने दो वेरिएबल्स जो है वो यूज़ किए हैं, इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ से कॉपी करते हैं और इनको जहाँ पे भी आपकी क्लास जो है शुरू हो रही है मेथड्स के बाहर, सारे मेथड्स के बाहर इनको डिक्लेयर करना है। अब हमने जो अगली कोडिंग करनी है वो करनी है पेज लोड के ऊपर, तो यहाँ पे पेज लोड के ऊपर हमने कोडिंग की है, इसको पेज लोड के अंदर जो है पेस्ट कर देते हैं। कोडिंग काफ़ी इजी है, सबसे पहले हमने चेक करवाया कि क्या वो पहली बार वेब को जो है वेबसाइट के पेज को असेस कर रहा है यूज़र। अगर कर रहा है तो एक डेटा टेबल तैयार करेंगे, उसके अंदर इन कॉलम का नाम जो है हमने ऐड किया है, 5 कॉलम हमने यूज़ किए हैं इस नेम के, और उसके बाद में सेशन के अंदर उस डेटा टेबल को ऐड कर दिया है। और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टार्टिंग में जो हमने डिस्प्ले करवाना है वैल्यू सीरियल नंबर की, वो हमने करवानी है यहाँ पे 1, इसलिए हमने डायरेक्टली टेक्स्ट बॉक्स 1.txt को 1 लिया है। अब हमने जो कोडिंग करनी है वो करनी है ऐड बटन के ऊपर, तो इस कोडिंग को यहाँ से कॉपी करते हैं ऐड बटन वाली कोडिंग को, और इसको जो है हमने यहाँ पे जो है पेस्ट करना है ऐड क्लिक, ऐड बटन का जो क्लिक कमेंट है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने कौन कौन से जो है यूज़ किए हैं, यहाँ पे डेटा टेबल को असेस किया है, सेशन में से एक रो क्रिएट की है, अगर तो 0 से ज़्यादा है उसकी काउंटिंग हमने, फिर सीरियल नंबर के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 को डिस्प्ले करवाना है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने इस तरीके से जो है
इसको डिस्प्ले करवाया, हमने जो टोटल प्राइस है वो कैलकुलेट करवाया है, और उसके बाद में अगर तो सीरियल नंबर जो है अकॉर्डिंगली जो है 0 से ज़्यादा नहीं है तो हम 1 डिस्प्ले करवाएंगे, वो पहले ही हमने जो है कोडिंग कर दी है। वैसे आप चाहें तो इस कोडिंग को यहाँ से जो है डिलीट भी करवा सकते हैं। तो अगर नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमने जो अगली कोडिंग हमने यहाँ पे यूज़ की है वो है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ग्रिड व्यू को जो है डेटा सोर्स को डेटा टेबल के साथ सेट किया है, ग्रिड व्यू को जो है रिफ्रेश किया है, और उसके बाद में सेशन के अंदर जो है डेटा टेबल को ऐड कर दिया है, उसके बाद में हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो काउंटिंग है वो एक इंक्रीमेंट कर दी है, सीरियल नंबर को एक बढ़ा दिया है, उसके बाद में कैलकुलेट सम नाम का एक फंक्शन जो है वो कॉल किया है। तो दो मेथड हमने यूज़र डिफाइंड इस एग्जांपल के लिए यूज़ किए हैं, एक है कैलकुलेट सम करवाने के लिए और दूसरा है अपने जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन दोनों मेथड्स को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमने कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो है पेस्ट कर देने हैं। तो दोनों ही मेथड काफ़ी ईजी हैं, इनको आप ईजिली जो है अपने प्रोग्राम के अंदर जो है यूज़ कर पाएंगे। तो इनको मैं एक बार सेटिंग कर देता हूँ इसकी। तो चलिए इस कोडिंग को भी हम थोड़ा सा कर देते हैं, इसकी जो रैपिंग है उसको डिलीट करके इसको लाइन के साथ अटैच कर देते हैं। तो ये कोडिंग काफ़ी इजी है, अगर आप एक दो बार इस कोडिंग को रीड आउट करोगे तो आप समझ पाएंगे कोडिंग कितनी इजी है। तो यहाँ पे हमने जो है नेक्स्ट जो कोडिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसको जो है डिलीट कर देते हैं, यहाँ से भी इसको डिलीट कर देते हैं इन कोडिंग को, और डबल स्लैश वाली बेसिकली ये कमेंट सेक्शन की कोडिंग है। तो यहाँ पे अब हमने जो है कोडिंग कर दी है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट भी कंप्लीट है, डिज़ाइन भी कंप्लीट है। अब हम इस प्रोजेक्ट को जो है रन करके देखते हैं एक बार। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं प्रोजेक्ट मेरा जो है वो रन हो चुका है। यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट को ऐड कर लेता हूँ मोबाइल, यहाँ पे प्राइस लिख देते हैं 1000, और यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो है 2। तो जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करूँगा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट का नेम, उसकी क्वांटिटी, उसका प्राइस और उसका जो टोटल है वो भी यहाँ पे आ चुका है। अब हमने यहाँ पे जो फुटर रो है इसको अनेबल नहीं किया, तो चलिए फुटर रो को भी अनेबल कर देते हैं। इस ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे और इसकी एक प्रॉपर्टी है शो फुटर रो, इसको हमने ट्रू कर देना है ताकि फुटर रो के अंदर हमारा ग्रैंड टोटल जो है वो डिस्प्ले हो पाए। एक बार फिर से रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और यहाँ पे अब हमने ऐड करना है मोबाइल, इसका प्राइस है 35000, यहाँ पे क्वांटिटी 2, ऐड कर देते हैं इसको अपने ग्रिड व्यू के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो ग्रैंड टोटल है वो आ चुका है, यहाँ पे जो जो प्राइस है वो वर्ड के अंदर आ चुका है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप, यहाँ पे जो प्राइस है वो लिख देता हूँ 40000, और यहाँ पे जो क्वांटिटी 1 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रैंड टोटल है वो चेंज हो चुका है, और यहाँ पे जो उसका वर्ड के अंदर जो वैल्यू है वो भी प्राइस जो है डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट इस तरीके से आप जो है डेटा टेबल को एज ए टेम्परेरी डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ग्रैंड टोटल को कैलकुलेट करवा सकते हैं, डायनेमिकली के जो रोज़ हैं वो ग्रिड व्यू के अंदर ऐड करवा सकते हैं, और जो प्राइस का ग्रैंड टोटल है उसको वर्ड के अंदर जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल होगा उसमें आपको बताऊंगा कैसे ये ग्रिड व्यू की जो वैल्यूज़ हैं इनको हम डेटाबेस के अंदर जो एसक्यूएल सर्वर का डेटाबेस है उसके अंदर सेव करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आपको इस एग्जाम्पल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो किसी फ्रेंड या स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू जो है शेयर कर दें। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।